लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के बहरामपुर लोकसभा सीट से हार के बाद उनके भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस के बंगाल इकाई के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनके इस्तीफे के और बाद की सियासत को लेकर राजनीति कयास और भी तेज हो गए। इसे लेकर अधीर और प्रदेश कांग्रेस के केंद्रीय प्रभारी का अलग अलग बयान आया है। इसके साथ ही बंगाल में कांग्रेस के संगठनात्मक बदलाव को लेकर पिछले कुछ दिनों से अटकलें चल रही हैं। इस बीच राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा नेताओं के बयान अधीर रंजन चौधरी के राजनीतिक भविष्य पर सस्पेंस और भी गहरा हो गया है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को दोनों राजनीतिक पार्टियों से ऑफर मिला है। इस तरह का पहला संदेश कांदी के तृणमूल विधायक और अधीर के एक समय के साथी अपूर्वा सरकार डेविड से सुना गया था। इस बार बीजेपी नेता शामिक भट्टाचार्य ने भी अधीर रंजन को लेकर बयान दिया है। शामिक भट्टाचार्य ने अधीर रंजन चौधरी के बारे में टिप्पणी की कि सही खिलाड़ी गलत पार्टी में खेल रहा है। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद शामिक भट्टाचार्य ने कहा कि टीएमसी कांग्रेस का विरोध कांग्रेस में रहकर नहीं किया जा सकता। खरगे साहब ने समझाया कि ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोला जा सकता, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों ने साफ कर दिया है कि केवल भाजपा ही तृणमूल को हरा सकती है। इसलिए अगर अधीर रंजन चौधरी को लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को छोड़ना बिल्कुल जरूरी है तो भाजपा के साथ खड़े हो, जो कि तृणमूल का लगातार विरोध कर रही है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के कांदी विधायक अपूर्वा सरकार ने कहा था कि अगर आप मुर्शिदाबाद के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं तो अभिषेक बनर्जी का हाथ थाम ले, हम सब मिलकर काम करते हैं। इस राजनीति में कोई अंतिम निर्णय नहीं है, इसलिए अगर कोई अच्छा काम लेकर आता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मुझे किसी के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बता दें अपूर्वा सरकार अधीर रंजन चौधरी के काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच राजनीतिक मतभेद जग जाहिर है। अधीर लगातार ममता बनर्जी का विरोध करते रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अधीर रंजन चौधरी के विरोध के कारण ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच समझौता नहीं हो पाया है। वहीं अधीर ने हाल ही में ममता बनर्जी के नीति आयोग की बैठक से बॉयकॉट करने पर तंज कसते हुए कहा था कि ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था।